बात करेंगे मांडर के रण की। मांडर के रण में जीत किसकी होगी, इसका फैसला कल होगा। पंडरा बाजार समिति परिसर में कल वोटों की गिनती होगी। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह 8 बजे से मतगणना होगी। मांडर में किसके सिर सजेगा ताज, कांग्रेस की शिल्पी बनेगी सरताज या गंगोत्री कुजूर खिलाएंगी कमल या फिर धान बनेंगे मांडर के महाराजा। मांडर के रन में जीत किसकी होगी, किसके सर सजेगा ताज, कांग्रेस की शिल्पी नेहा तिर्की या फिर गंगोत्री कुजूर या देव कुमार धान के सर बंधेगा जीत का सेहरा, इन सारे सवालों का जवाब रविवार को मिलेगा। मांडर उपचुनाव की काउंटिंग रविवार को सुबह 8 बजे से शुरू होगी। रांची के पंडरा में काउंटिंग होगी, इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 3 काउंटिंग हॉल तैयार किए गए हैं और प्रत्येक काउंटिंग हॉल में 7 टेबल लगे गए हैं। कोविड के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए और सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक हॉल साइज बहुत बड़ा है हॉल का, और तब भी हम लोगों ने 7 ही टेबल रखे हैं, तो एक राउंड में 21 टेबल पे काउंटिंग होगी। 23 जून को मांडर में 61% से ज्यादा वोटिंग हुई थी। पंडरा बाजार समिति परिसर में वोटों की काउंटिंग होगी, जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 3 लेयर में सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। काउंटिंग रूम में मोबाइल ले जाने पर पाबंदी है और उसमें पैरामिलिट्री फोर्स और डिस्ट्रिक्ट पुलिस को दोनों को मिक्स करके 3 टीयर पर फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। और जितने भी लोग अंदर जाएंगे सभी लोगों का आई कार्ड और सब कुछ दिया हुआ है, रजिस्टर मेंटेन किया हुआ है, कोई भी लोग बिना परमिशन के अंदर नहीं जा सकते। मांडर उपचुनाव में कुल 14 प्रत्याशी मैदान में है, लेकिन मुख्य मुकाबला कांग्रेस की शिल्पी नेहा तिर्की, बीजेपी की गंगोत्री कुजूर और MIM समर्थित उम्मीदवार देव कुमार धान के बीच माना जा रहा है। लेकिन आखिर में बाजी कौन मारता है, किसे जनता का प्यार मिलता है, इसका खुलासा रविवार को होगा। उम्मीद की जा रही है कि रविवार को दोपहर तक तस्वीर साफ हो सकती है। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से मोहम्मद इमरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।